गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं बीके दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैंने बायोटेक्नोलॉजी के मतलब चैप्टर 12 के सेकंड पार्ट यानी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट 1 के साथ आपके सामने हाजिर हूं। एंड इसमें जो भी दिए गए मैटर्स हैं आप इसके ऊपर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। और ये नीट के एग्ज़ाम और आपके क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होंगे, ये ध्यान में रख करके इस मटेरियल्स को बनाया गया है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं कि इस मटेरियल में क्या खास बात है, कुछ आपके काम के लायक है, यूजफुल है, कैसी है, आपके कमेंट बताएंगे, उसकी उत्सुकता हमें रहेगी। तो टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें अगर देखते हैं कि कुछ एरियाज हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ हो रहा है और आगे भी यूज होने की संभावनाएं हैं। जैसे आपका अगर यहाँ से द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, फूड सिक्योरिटी, केमिकल इंडस्ट्री, मेडिकल, एग्रीकल्चर फील्ड एंड पावर इंडस्ट्री एंड एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें स्टिल द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विथ फास्ट स्पीड ग्रोइंग, बायोटेक्नोलॉजी इज गोइंग विथ फास्ट स्पीड एंड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द मैनकाइंड। तो अब हमारा जो टारगेट जो मेन है इस चैप्टर के अंदर जो बॉडी है जो डिस्क्राइब्ड है उनके ऊपर फोकस करते हैं। इसमें तीन टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक मैंने इस पर्टिकुलर जो स्लाइड आप देख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहले टॉपिक में डिस्कस किया गया है कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, व्हाट आर द ऑप्शंस बाय विच वी कैन इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन के हमारे पास जो इंक्रीज करने के जो ऑप्शंस है, वो पहला ऑप्शन है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। आप समझ सकते हैं इस ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, यानी केमिकल्स का यूज होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, ताकि जो है खेतों में प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। अगर कोई गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है बड़ी आसानी से देख सकता है कि किसान डाई का यूज करता है, यूरिया का यूज करता है, बहुत सारे पेस्टिसाइड का यूज करता है, ठीक है। दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें केमिकल्स का यूज टोटली नहीं होता है, इसमें जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं दे आर यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पजेज। एंड लास्ट है दैट इज मोस्ट एडवांस दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। मतलब इसके लिए हम ऐसे सीड्स को यूज करते हैं जो सीड्स के अंदर यूजफुल क्वालिटी वाले जीन्स इंट्रोड्यूस्ड होते हैं और वो प्रोडक्शन के साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ाते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजिकल यूज है, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप्स का डेवलपमेंट। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप्स कैसे यूज किए जाएंगे। तो देखिए, कोई प्लांट है उस प्लांट के अंदर एक नए कैरेक्टर वाले जीन को बाहर से हम अगर अंदर इंसर्ट कर दें तो ऐसे क्रॉप को हम कहते हैं GM क्रॉप, या हम इसको कहते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप। अगर एनिमल है तो ट्रांसजेनिक एनिमल हो जाएगा, या ट्रांसजेनिक GM एनिमल या GM क्रॉप कह सकते हैं। और एज ए होल यानी प्लांट और एनिमल दोनों को मिला दिया जाए तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल दोनों इंक्लूड होते हैं। तो ये रहा कुछ ऑप्शंस। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसको अगले टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। पहले हम कुछ और टॉपिक यहाँ देखते हैं। सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंडिया में 1960 से पहले खाद्यान्न के मामले में जो सेल्फ इंडिपेंडेंस नहीं थी, ठीक है, तो उसके लिए जो है एक जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया इंडिया में। इस रिवॉल्यूशन में जो सीरियल क्रॉप्स थे, खासतौर से मेज, राइस, व्हीट, इनका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। और इसके पीछे रीजन क्या था, तो तीन रीजन थे। एक रीजन था यूज ऑफ इम्प्रूव क्रॉप वेराइटी का यूज किया गया। दूसरा क्या था, बेटर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की गए। अब क्रॉप मैनेजमेंट में क्या आता है, प्लॉइंग से लेकर के और हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। इरिगेशन इंक्लूड होगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट यूज होगा, हैं सोइंग में आए तो ये सब यूज होता है। तो इसमें फॉल्टी जो प्रैक्टिसेस थे उनको रिमूव किया गया ताकि किसानों को आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वालिटी वाइज एग्रीकल्चर कर सके। और नेक्स्ट था यूज ऑफ एग्रो केमिकल यानी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा यूज किया गया, जिसके वजह से प्रोडक्शन बढ़ी। लेकिन कालांतर में टाइम के साथ देखा गया कि ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुँचाते हैं,
उनके नुकसान क्या है, एग्रो बेस्ड केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो टू एक्सपेंसिव भी है, साथ साथ फार्मर के लिए अफोर्डेबल नहीं है, महंगे होते हैं फार्मर्स के लिए, ये जो है काफ़ी जो है दिक्कत होती है। दूसरा है इंक्रीज इन यील्ड विथ एग्जिस्टिंग वेराइटी, एग्जिस्टिंग वेराइटी का यूज करके हम फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमें नए नए वेराइटी का यूज़ करना पड़ेगा, या कन्वेंशनल मेथड से ये चीज़ें नहीं प्राप्त की जा सकती है, हमको कुछ एडवांस बनना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है देखा जाए यूज ऑफ जीएम क्रॉप, जैसे कि आपको पहले बताया कि जीएम क्रॉप क्या होते हैं, तो जीएम क्रॉप का बेहतर यूज होता है कि हम ऐसे जीएम क्रॉप डेवलप कर सकते हैं जो जिसके जो पौधों के अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देंगे, जो प्रोटीन का कंटेंट है वो उसको बढ़ा सकते हैं, जैसे राइस के अंदर एक विटामिन ए इनरिच राइस जीएम प्लांट डेवलप किया गया जिसको नाम दिया गया गोल्डन राइस। इसी तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी को हम डेवलप कर सकते हैं, बेटर प्लांट डेवलप कर सकते हैं जो एबायोटिक स्ट्रेस को क्या कर सके, झेल सके, यानी उसको बियर कर सके। इसके अलावा केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर हमारी जो निर्भरता है, रिलायंस है, वो कम हो सकती है। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं, जो स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से लॉस होती है, तो वो भी मिनिमाइज किया जा सकता है जीएम क्रॉप डेवलप करके। इसके अलावा मिनरल यूज इफिशियंसी, यानी प्लांट की एक क्षमता होती है उससे अधिक न्यूट्रिएंट वो सॉइल से नहीं ले सकता है, लेकिन जीएम क्रॉप के अंदर ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, वो न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है, तो ये भी जो है वो जीएम प्लांट की विशेषता है। और लास्ट ये है कि हम बायो एनर्जी मास एनर्जी प्रोडक्शन, बायो मास एनर्जी प्रोडक्शन में भी इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम उस पार्ट के ऊपर, ये कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे फूड्स हैं, हमारे फूड के जो डाइनिंग टेबल पर जो है बहुत सारे हम जीएम प्लांट प्रोडक्ट दे सकते हैं, राइस है, कॉटन सीड है, डेयरी प्रोडक्ट है, पीज है, पोटैटो, कॉर्न, सोया, टोमेटो, पपाया। देखिए इंजीनियर अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ डीएनए को ही काट पीट के और क्रॉप बनाने की तैयार कर रहा है, ये शो किया गया है एक चित्र के द्वारा। अब हम आते हैं उस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, AISSC के लिए इसमें जो दो टॉपिक डिस्कस कीजिए, आप समझिए 3 नंबर में आने वाले हैं, 100% उसको तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, तो इसमें BT कॉटन एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है दैट वाज डेवलप, और ये किस लिए डेवलप किया गया, टू सेव द कॉटन प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट, कॉटन प्लांट जो होता है उसको सेव करने के लिए, इंसेक्ट से सेव करने के लिए ये BT कॉटन डेवलप किया गया। कैसे डेवलप किया गया, कॉटन प्लांट के अंदर बेसिलस थुरिजियंसिस, आप इस बैक्टीरिया को ध्यान से देखिए, सॉयल बैक्टीरिया है ये, और इस बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल एंजाइम जीन पाया जाता है जिसका नाम है क्राइजीन। तो कॉटन प्लांट में अगर ये क्राइजीन जो है क्या किया जाए, इंसर्ट कर दिया जाए, तो जो कॉटन प्लांट डेवलप होगा उसी को हम लोग बीटी कॉटन कहते हैं, यानी बीटी कॉटन कैन बी डेवलप बाय इंसर्टिंग क्राइजीन इनटू कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट के अंदर क्राइजीन को इंसर्ट कर दिया, बीटी कॉटन ऑब्टेन हो गया। अब हमको ये अब ये है कि ये क्राई प्रोटीन कहाँ से मिला, तो ये एक सॉयल बैक्टीरिया बेसिलस थुरिजियंसिस से ऑब्टेन होता है। ये तो रहा क्राई प्रोटीन के ये बीटी कॉटन के बारे में। अब ये है कि ये जो बीटी कॉटन है ये कैसे अपने आप को इंसेक्ट से सेव करता है, तो सीधी सी बात है कि जो बीटी यानी बेसिलस थुरिजियंसिस, बीटी फॉर बेसिलस थुरिजियंसिस, बेसिलस थुरिजियंसिस जो बैक्टीरिया है इसके अंदर क्राई प्रोटीन है, इस क्राई प्रोटीन को आइसोलेट किया जाता है, इसको हम स्टेप्स में यहाँ पर आगे हम देख सकते हैं, तीन स्टेप में देखिए, यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि आइसोलेट कर लेंगे जो जीन है उसको आइसोलेट कर लेंगे, क्राइजीन को आइसोलेट किया, आइसोलेशन ऑफ क्राइजीन फ्रॉम बेसिलस थुरिजियंसिस, उसके बाद उसकी क्लोनिंग करा के बहुत सारी मात्रा में ऑब्टेन कर लेंगे, फिर उस क्राइजीन को क्लोन्ड क्राइजीन को हम कॉटन प्लांट के अंदर इंसर्ट कर देंगे तो बीटी कॉटन प्लांट डेवलप हो जाएगा। अब इसका यूज क्या है, कैसे मतलब ये वर्क करता है, मैकेनिज्म इसका क्या है, तो देखिए क्राई प्रोटीन क्राइजीन फॉर्म क्राई प्रोटीन, और क्राई प्रोटीन इन टोबैको प्लांट जो है फार्म क्राई प्रोटीन, क्राइजीन फार्म क्राई प्रोटीन इन टोबैको प्लांट, एंड व्हेन दिस क्राई जो प्रोटीन है
इट इज़ प्रोड्यूस इन इनएक्टिवेटेड फार्म। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो इनएक्टिवेटेड फार्म में होता है, लेकिन जैसे ही ये इंसेक्ट के गट में जाता है, यानी इंसेक्ट जब कॉटन प्लांट के सैप को सक करेंगे तो उस सैप के साथ क्राइप्रोटीन भी उनके गट में चला जाएगा, और वहाँ डेंजरस क्या होता है, वहाँ पर मीडियम एल्कलाइन होता है, और उस एल्कलाइन मीडियम में जो क्राइप्रोटीन है दैट विल बिकम एक्टिव एंड किल द इंसेक्ट बाई परफोरेटिंग द वॉल ऑफ गट। जैसे ही वो एक्टिव होगा इट विल पियर्स द गट, गट में पोर बना देगा, और इसके अंदर स्वेलिंग होगी, गट के अंदर ब्लीडिंग होगी और इंसेक्ट मर जाएगा। इस तरीके से जैसे इंसेक्ट मरेगा कॉटन प्लांट से हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म। अच्छा, कुछ क्राइजीन ऐसे हैं जो यूज किए जाते हैं कुछ पर्टिकुलर डिजीज के प्रति वो इफेक्टिव होते हैं, तो वो कौन कौन है उनको देखा जाए यहाँ पे। अगर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर दो क्राइजीन मेंशन किए गए हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कौन कौन से दो क्राइजीन हैं। एक है क्राई वन ए सी, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट कॉटन बॉल वर्म, एक तरह का इंसेक्ट के द्वारा क्रिएटेड डिजीज है, वॉल वर्म डिजीज। और दूसरा है क्राई टू ए बी, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट कॉर्न बोरर। तो ये दो तरह के जो जीन है दे ये वर्क अगेंस्ट द पर्टिकुलर इंसेक्ट जो है जो पर्टिकुलर डिजीज को खाज कर रहे हैं। अब इसको देखते हैं, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये प्लांट के अंदर जो वेक्टर के रूप में काम करता है वो होता है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस, उसका ये स्ट्रक्चर है। ये भी एक रॉड शेप सॉयल बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक प्लाज्मिड होता है जिसको हम लोग टी आई प्लाज्मिड कहते हैं। ये यहाँ पर दिखाया गया है टी आई प्लाज्मिड, और टी आई प्लाज्मिड में एक स्पेसिफिक डी एन ए होता है दैट इज कॉल्ड टी डी एन ए, और इसी साइट पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट करके हम फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं। जब फॉरेन जीन को इंसर्ट करेंगे तो यू नो कि प्लाज्मिड प्लस जी ओ आई इज रिकॉम्बिनेंट डी एन ए, रिकॉम्बिनेंट डी एन ए फार्म हो गया। अब रिकॉम्बिनेंट डी एन ए से हम क्लोनिंग करा के बहुत सारे जी ओ आई बना सकते हैं। अब उस जी ओ आई को हम प्लांट के सेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे, अब उस सेल से हम रिजनरेशन के द्वारा प्लांट डेवलप कर लेंगे। तो ये एक जनरल मेथड है जी एम क्रॉप को डेवलप करने का, और इसी मेथड के द्वारा बीटी कॉटन भी डेवलप किया जा सकता है। अब मैकेनिज्म का एक यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिखाया गया है कि जो क्राई प्रोटीन है कैसे वर्क करता है। तो बीटी कॉटन के अंदर क्राइजीन विल फॉर्म क्राई प्रोटीन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होगा, प्रोटॉक्सिन फॉर्म में होगा, एंड व्हेन इट इज बाय ईटन बाय इंसेक्ट द टॉक्सिन इंटर इनटू द गट वेयर इट इज एक्टिवेटेड बाय एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच के द्वारा क्या होगा, गट में इनएक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद वो परफोरेट करेगा यानी पोर बनाएगा जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी एंड एंड एट द एंड इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्लांट है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। जो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी हम इसे डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक पेस्ट है, इस पेस्ट का नाम है मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निटा। नाम याद रखिएगा, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निटा। मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निटा एक निमेटोड है, और ये टोबैको के रूट को इन्फेस्ट करके इसके जो यूज है, जो इसका प्रोडक्शन है उसको घटा देता है। यानी बाय द इन्फेस्टेशन ऑफ मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निटा टोबैको की यील्ड घट जाती है, और कैसे घटती है, ये रूट को इन्फेस्ट करके इस तरीके के स्वेलिंग कर देता है जिसके वजह से जो रूट्स होती है वो अपने प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म नहीं करती हैं और टोबैको प्लांट की यील्ड घट जाती है। तो ये तो प्रॉब्लम रहा, अब प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। तो प्रॉब्लम का सलूशन है एक टेक्नोलॉजी RNAi, जिसको हम पूरा नाम कहेंगे RNA, यानी RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम निमेटोडा जो है ना, ये जो मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निटा है, इसके द्वारा होने वाले लॉस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कैसे लिखेंगे कॉपी पे, वो हमने शो किया यहाँ पे कि जो पेस्ट है, जो पेस्ट आप देख सकते हो, पेस्ट का नाम मैंने कई बार लिया,
पेस्ट का नाम है मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निटा, ये एक निमेटोड है, इन्फेस्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट एंड रिड्यूस इट्स यील्ड। अब क्या होता है, तो साइंटिस्टों ने आरएनए बायोटेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज का यूज़ किया, खासतौर से आरएनए इंटरफेरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक पेस्ट रेजिस्टेंट जो है वो प्लांट डेवलप किया। तो इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, हाउ इट वर्क्स, तो देखिए इन दिस टेक्निक, अगर हम इससे पहले हम देखें कि जो जो पेस्ट का डीएनए है, ये पेस्ट मेलाडी का क्या है, डीएनए है, और इस डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, और ये आरएनए प्रोटीन बना रहा है, और ये प्रोटीन टोबैको प्लांट को इन्फेस्ट करके रिड्यूस यील्ड को रिड्यूस कर रहा है। अब टेक्नोलॉजी जो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी क्या है, इस ये आरएनए अगर प्रोटीन नहीं बनाएगा, अगर इस आरएनए को प्रोटीन बनाने से रोक दिया जाए तो टोबैको प्लांट को सेव किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, साइंटिस्टों ने एक आर इस डी इस जो जीन है, इस जीन के थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी होगी, इस जीन के कहाँ गया रेड कलर, हाँ, इस जीन के कॉम्प्लीमेंट्री सी डी एन ए बनाया। अब ये सी डी एन ए क्या बनाएगा, आर एन ए बनाएगा, और इस आर एन ए और ये आर एन ए दोनों आर एन ए की विशेषता है कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये दोनों मिलकर डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, यही टेक्नोलॉजी है। इस आरएनए जो येलो कलर का जो दिखाया गया, इस आरएनए की एक्टिविटी को के में इंटरफियर कर देना बाय इंट्रोड्यूसिंग अनदर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ही आरएनए इंटरफेरेंस कहलाता है। अब इसको हम पढ़ देते हैं, इन दिस टेक्निक मैसेंजर आरएनए ऑफ पेस्ट इज साइलेंस्ड बाय यूजिंग आर एन ए कॉम्प्लीमेंट्री टू पेस्ट आर एन ए, मतलब डी एन ए इंट्रोड्यूस करेंगे जो आर एन ए बनाएगा, और आर एन ए पेस्ट आर एन ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, दोनों डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से आर एन ए इंटरफेरेंस कम्प्लीट होगा। अब आर एन ए इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेथड ऑफ डिफेंस के रूप में यूज किया जा सकता है, और साइलेंसिंग कैसे करते हैं, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आर एन ए ऑफ पेस्ट बाय इंसर्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यानी जो ये पेस्ट का जीन है उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो वो बनाएगा क्या, आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, जो पेस्ट आरएनए के क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और ये दोनों आरएनए चूंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो वो क्या करेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए में बन जाएगा, और इस तरीके से जो पेस्ट का आरएनए है वो साइलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सी डी एन ए को इंसर्ट कर सकते हैं टोबैको प्लांट में विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस या ट्रांसपोसॉन, ये ट्रांसपोसॉन मेवेबल डीएनए झुकते हैं, मैं क्लिंटॉक ने इसको डिस्कवर किया था, इसके बारे में अब जेनेटिक्स में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, होप इस वीडियो में इतना ही, और आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके अगर सुधार की कोई गुंजाइश है तो कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच।